नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है ईटू ग्लोबल 90 में। मैं पुनः आप लोग को समक्ष एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया, महत्वपूर्ण क्लास है। ये प्राचीन इतिहास की सीरीज के अंतर्गत आता है और हम ये इसमें इससे पहले मैंने आप लोग को एक वीडियो डाला हूँ जो कि पूरे इतिहास का, मैंने पूरे कालखंड का बारे में अध्ययन करवाया था। आप जाइए, यदि यह वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। इसके बाद आज का जो क्लास है प्राचीन इतिहास के, मेरा तीनों अलग अलग सीरीज चल रहा है दोस्तों, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास का। तो मैं तीनों को एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ और जैसे जैसे होती है समय मिलता है आप लोग को सामने हर एक प्लेलिस्ट में सभी से संबंधित मैं वीडियो डाल रहा हूँ। तो आज का जो एक महत्वपूर्ण वीडियो बना हुआ है प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन का स्रोत, जो हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं, यहाँ से जो मैटर आया हुआ है प्राचीन इतिहास में, हम जो इतना चीज पढ़ते हैं उसकी स्रोत क्या है, कहाँ से आया, हम लोग किस आधार पर इस चीज़ की पढ़ाई करते हैं, जानकारी लेते हैं प्राचीन इतिहास में, इसकी सारी बात आज मुझे यहाँ पर करना है दोस्तों। मुझे प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत लगभग 3 से 4 वीडियो बनेगा इसके स्रोत पे। इस स्रोत का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप यदि BPSC का एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो इसमें मेंस के लिए भी और PT के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। काफ़ी यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यदि इतना भी अभी हम पढ़ा रहे हैं, अब ये पूरा पढ़ते हैं, पूरे अध्ययन करते हैं, सारी चीज़ समझ जाते हैं, तो एक दो क्वेश्चन BPSC के एग्जामिनेशन में बैठिएगा तो श्योरली एंड सर्टेन 100% मैं कह रहा हूँ 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगी। और पूरे देखा जाए तो भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत में, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत में जब सारी चीज़ पढ़ लेंगे तो कोई भी एग्जामिनेशन 3-4 क्वेश्चन यहाँ से प्राचीन इतिहास से पूछा जाता है दोस्तों। दोस्तों आगे चलते हैं, आगे चलने से पहले एक बात और आप लोगों को कहेंगे, आप लोग यदि वीडियो देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखिए। कितने बच्चे क्या करते हैं, 1-2 मिनट 5 मिनट 7 मिनट वीडियो देखते हैं छोड़ देते हैं, नहीं फायदा होगा। मैं इतना मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, आप लोग पूरा देखिए, देखने के साथ साथ इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और व्हाट्सएप फेसबुक जहाँ भी आपको मिले वहाँ पर डालिए, जिससे क्या होगा जो बच्चे इस प्राचीन इतिहास की स्रोत या और सब सब्जेक्ट में ज्ञान लेना चाहता है तो उसको आसानी वे से आपके द्वारा उस बच्चे को मिल जाएगा। और जब बाहर जो चीज़ हम बाहर जाके पढ़ते हैं, दिल्ली पटना या बाहर कहीं घर से बाहर जाते हैं तब ये चीज़ ज्ञान होती है, तो आपको घर बैठे आपको YouTube पे इस चैनल पे ईडू ग्लोबल 90 पे आपको आसानी से बहुत अच्छे तरीका से मिल जाएगा दोस्तों। तो आशा करते हैं आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और WhatsApp Facebook जितने भी ग्रुप है इसमें इस वीडियो को डालिए, जिससे काफ़ी मुझे भी अच्छा लगेगा और आप लोग को जो इससे वंचित है वो लाभान्वित हो पाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, मेरा अभी का जो वीडियो है प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन का स्रोत, उसको मैंने अपने अध्ययन के अनुसार 3 भाग में बांट दिए हैं, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी स्रोत। देखिए पुरातात्विक स्रोत का मतलब ये हुआ जैसे चित्रकला हो गया, सिक्का हो गया, भवन निर्माण हो गया, अभिलेख हो गया, सिक्का हो गया, मूर्ति कला हो, उसके आधार पे हम लोग पूरे का पूरे इतिहास को जानेंगे प्राचीन इतिहास के, क्योंकि ये सभी चीज जितने भी चीज आप लिखे हैं, अभिलेख, मूर्ति कला, चित्रकला, सिक्का और भवन एवं स्मारक, ये अब ये मेरा पुरातात्विक स्रोत है। मतलब क्या, ये या तो पृथ्वी या पृथ्वी के नीचे ये दबा हुआ है, इसको उत्खनन के क्रम में ये जब हमारे पास आती है तो उसके आधार पे हम लोग पूरे प्राचीन इतिहास को इतिहास लिख डालते हैं। बहुत सारे ऐसा महान विज्ञान इतिहासकार हैं जो कि अभिलेख पे, मूर्तिकला पर, चित्रकला पर उस समय की पूरे इतिहास को, पूरे घटनाक्रम को वो लिख देते हैं, इवन एज कालखंड को भी लिख देते हैं। तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे। पुरातात्विक मतलब जो साक्ष्य है, जो हम लोग देख रहे हैं उसको समझ रहे हैं, उसको कहते हैं पुरातात्विक स्रोत। और साहित्यिक मतलब जो रिटेन के माध्यम से, लिखा हुआ के माध्यम से जो हम लोग समझेंगे उसको कहते हैं साहित्यिक स्रोत। जैसे मान लीजिए इसमें 2 तरह का हो गया, एक धार्मिक ग्रंथ है और एक धर्मेतर ग्रंथ है, जिसमें ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, जैसे देव ग्रंथ की बात करेंगे तो वेद की बात करेंगे, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सब में कहीं ना कहीं हमारे प्राचीन इतिहास की बातें उसमें छुपा हुआ है, तो उसकी बात करेंगे। ब्राह्मण ग्रंथ ढेर सारा है, बौद्ध ग्रंथ होती है, जैन ग्रंथ, जितने भी है धर्म से संबंधित है, और धर्मेतर ग्रंथ या लौकिक ग्रंथ जिसमें धर्म से संबंधित बात नहीं है, उसमें कुछ चिकित्सा की बात है, कुछ कानून व्यवस्था की बुक है, शासन व्यवस्था की बुक है, वहाँ से भी प्राचीन इतिहास के बारे में मुझे ज्ञान मिल जाते हैं। जैसे अर्थशास्त्र कौटल्य के द्वारा, राज तरंगणी कलहन के द्वारा, अष्टादि, मुद्रा राज, हर्षरित, कादंबरी, ये सब जो पुस्तक है ना वह धर्म से संबंधित नहीं है,
मगर इसमें कानून की पुस्तक है, शासन व्यवस्था की बुक है, पुस्तक है, कुछ वैज्ञानिक से संबंधित बुक है, उससे भी मुझे प्राचीन इतिहास के बारे में अध्ययन करना। तो मुझे आगे चल के जो पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर बनेगा, उसमें हमको सारी चीज का अध्ययन करना, जैसे अर्थशास्त्र के बारे में किसने लिखा, कब लिखा, उसमें क्या चीज की अध्ययन किया गया है, सारी बात करना है। जैसे राजतरंगिणी किसने लिखा, कब लिखा, उसमें क्या चीज का जिक्र किया गया, सारी बात समझना है दोस्तों। तो मुझे अभी स्टार्टिंग है। अब एक विदेशी स्रोत, हमारे प्राचीन इतिहास में विदेश से भी संबंधित मुझे ज्ञान मिला, जैसे भारत का ये सब जितने भी स्रोत हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं, भारत के स्रोत को विदेशी स्रोत से मिलाते हैं। जब जब मिल जाता है तो उससे हम कंफर्म हो जाते हैं, नहीं, जो भारतीय स्रोत है और विदेशी स्रोत है दोनों मैच कर रहे हैं, तो उसके आधार पर हम कंफर्म हो जाते हैं, नहीं, ये बात जो है इतिहास की बहुत ही इतिहास का सही है। तो यूनानी ग्रंथ, यूनान वाले भी बहुत सा हमारे देश में आए हुए थे प्राचीन काल में, तो यहाँ से जो भी चीज देखा या जो भी चीज ले गया वह अपने ग्रंथ में उस चीज को लिखा गया है। चीनी ग्रंथ, अरबी ग्रंथ, बहुत सा चीनी यात्री हमारे भारत में आए हैं, वहाँ जो कुछ भी देखा भारत में वो अपने ग्रंथ में वहाँ पे जाके लिख दिया गया है चीन में। अरबी ग्रंथ, बहुत सा हमारे देश में इस्लाम धर्म के मानने वाले प्राचीन काल में भारत में आए हुए थे, और भारत में जो भी चीज, जो भी शासन व्यवस्था को देखा, जो भी घटना देखा, वो अपने पुस्तक में लिख डाला। तो हम लोग इसका भी सहारा लेंगे, इससे मुझे ये जितने भी देखे अभिलेख, मूर्ति, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी स्रोत, सभी को मिला के एक संपूर्ण मुझे प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन का स्रोत बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। तो पहला मेरा टॉपिक हो गया अभिलेख। अभिलेख बहुत काफी इंपॉर्टेंट होता है, कहा गया जितने भी साहित्य पुरातात्विक स्रोत में या पूरा स्रोत में सबसे इंपॉर्टेंट अभिलेख को माना गया, क्योंकि ये अभी वर्तमान में है, इसको हम लोग देख रहे हैं, उसमें कुछ जो भी लिखा हुआ है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसके आधार पे हम लोग पूरा प्राचीन इतिहास का अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख। सबसे पहले दोस्तों अभिलेख, अभिलेख को अध्ययन को कहा जाता है एपिग्राफी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, सो अभिलेख का जब अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ अभिलेख को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एपिग्राफी। भारत में अधिकांश अभिलेख लिखा गया है, तो देखिए जो अभिलेख, अभिलेख का मतलब बहुत सा बच्चा नहीं समझ पाते अभिलेख होता क्या है। तो देखिए दोस्तों अभिलेख एक होता है, जैसे मान के चले अभी भी हम लोग देखते हैं वर्तमान में रोड के किनारे किनारे जगह का नाम लिखा रहता है, यहाँ से दरभंगा 50 किलोमीटर, पटना 100 किलोमीटर, दिल्ली, मुंबई, ये कहीं ना कहीं कहीं इसको कहेंगे अभिलेख। तो प्राचीन काल में भी बहुत सा राजा शासक क्या होता था, जो भी देश का या जो भी स्थान का नियम और कानून होता था उसको दीवाल पे, पत्थर के शिला पे, त्राम पत्र पे, मूर्ति पे, स्तंभ पे, ये सभी चीज अपना उस भाषा में लिखा दिया जाता था, तो उसी को कहते हैं हम लोग अभिलेख। तो भारत में अधिकांश अभिलेख लिखा गया था पाषाण शिला में, स्तंभ में, दीवार में, प्रतिमाओं में, क्योंकि जहां पर पब्लिक का जुड़ा हुआ था, जहां पर देखा जाता था पब्लिक, लोगों का जमाव होता है, तो वहां पर पूरे देश का, जो राज्य का या जो क्षेत्र का जो शासक होते थे उसमें जो नियम और व्यवस्था हुआ करता था, टोटल का टोटल लिखा जाता। अभी भी दोस्तों हम लोग देखते हैं, कहीं आप मंदिर में जाइए, मस्जिद में जाइए, या कहीं भी धर्म स्थलीय या जहाँ पब्लिक प्लेस है, तो वहाँ पर उस जगह का कुछ नियम और कायदा लिखा रहता है, तो उसको हम कह सकते हैं अभिलेख है। उसी तरह से प्राचीन इतिहास में भी जितने भी राजा और शासक हुआ करते थे अपना इस पाषाण शिला के रूप में, स्तंभ के रूप में, दीवारों और प्रतिमाओं के पर लिख दिया जाता था, जिससे जनता अपना इस नियम और कानून को समझ जाता था। सबसे प्राचीन अभिलेख अभी तक वर्तमान में सबसे जो प्राचीन अभिलेख है वो बोझ कोई अभिलेख मध्य एशिया में पाया गया है, जिसमें वेद के बारे में बताया गया ढेर सारा चीज, तो हम लोग देखेंगे। तो सबसे हमसे ये पूछा जाए सबसे प्राचीन अभिलेख किसे कहा गया है, तो बोगोज गोई अभिलेख मध्य एशिया से प्राप्त हुआ दोस्तों। भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक का अभिलेख को माना गया दोस्तों। भारत में अभी जो अभिलेख मिला है सबसे प्राचीन अभिलेख किसे माना गया है, तो यह 300 BC लगभग आज से लगभग 2300 साल पहले जो अभिलेख लिखा गया हुआ था, तो उसको प्राचीन, तो अशोक का अभिलेख। तो भारत में यदि पूछा जाए विश्व के संदर्भ में या सबसे पहले प्राचीन अभिलेख किसे माना गया, तो बोगोज गोई अभिलेख जो मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है, मगर भारत के संदर्भ में पूछा जाए भारत के सबसे प्राचीन अभिलेख, तो कहेंगे अशोक का अभिलेख जो 300 BC लगभग आज से 2300 साल पुराना लिखा गया है। अभी तक और आगे बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता, हम लोग अभी नहीं पढ़े हैं, हम लोग आगे इसके बाद हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताएंगे। हड़प्पा सभ्यता में बहुत सा अभिलेख लिखा गया था, बहुत सा लिखा हुआ है, कहा गया लगभग 800 अक्षर का ज्ञान था, 400 अक्षर का ज्ञान था, तो उस भाषा को अभी तक हम लोग लिखा तो गया हुआ है, बहुत सा अक्षर को भी मिला है,
मगर अभी तक वर्तमान तक अभी तक इस क्या लिखा गया नहीं लिखा उसकी अभी तक ज्ञान नहीं हुआ, अभी तक पढ़ा नहीं गया। तो हड़प्पा सभ्यता का अभिलेख का अभी तक पढ़ा नहीं गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। मगर अशोक को अभिलेख को हम लोग पढ़ लिए, तो अशोक का अभिलेख को लिखा था सबसे पहले जब 300 BC में अशोक का अभिलेख जब लिखा गया था तो उसको लिखा किसने था, तो चापर ने लिखा था। एक नाम बहुत महत्वपूर्ण है, अशोक का अभिलेख को किसने लिखा था, को लिखा था तो चापर ने। अब आइए, लिख तो दिया था चापर ने, बट ये भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाता अशोक का अभिलेख को पढ़ा सर्वप्रथम किसने था, तो सबसे पहले अशोक का अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसप, जेम्स प्रिंसप, जो कि 1800, कभी कभी नाम पूछ लिया जाता है, कभी कभी ये भी पूछा जाता है दोस्तों। सो अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, कहेंगे जेम्स प्रिंसप। मर कब पढ़ा था, तो 1837 ईस्वी में, ये डेट भी याद रखेंगे। अब आइए, हम जानते हैं अशोक का अभिलेख बहुत सा लिपि में लिखा गया था, तो लिखा है अशोक का अभिलेख लिखा था ब्राह्मी लिपि में, खरोष्टी लिपि में, यूनानी लिपि में और अरमाइक, चार लिपि में अशोक के अभिलेख को तो लिख दिया गया था। बट जो ये जेम्स प्रिंसप जो थे 1837 में जो पढ़े हुए थे, वो ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ था, उसको पढ़ा था, तो वो याद रखेंगे, कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो अशोक का अभिलेख जेम्स प्रिंसप किस भाषा में पढ़ा था, तो मेरे पास चार ऑप्शन देगा तो कहेंगे ब्राह्मी लिपि में। आइए अगला पॉइंट, अशोक का अभिलेख लिखा था चार भाषा में, चार लिपि में, ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी, अरमाइक। कभी कभी दोस्तों बीपीएससी का जो एग्जामिनेशन होता है या यूपीएससी का जो डिफिकल्ट एग्जामिनेशन होता है ना, उसमें इस चीज का जिक्र किया जाता है, बताइए ब्राह्मी लिपि का लिखावट कैसा था। याद रखिएगा, बाएं से दाएं, जो हम लोग लिखते हैं बायां से कॉपी पर जो भी लिखते हैं ब्राह्मी लिपि में लिखते हैं, जिसमें बाएं से दाएं लिखते हैं। बट खरोष्टी लिपि जो लिखा गया ना था, वो दाया से बाएं उल्टा लिखा गया था, तो ये आप लोग को याद रखेंगे दोनों बात। ब्राह्मी लिखा हुआ था जो वर्तमान में हम लोग लिखते हैं बाएं से दाहिने की ओर, बट खरोष्टी लिपि में जो लिखा गया था अशोक का अभिलेख, वो लिखा हुआ था दाया से बाया की ओर। ये दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे। अब आइए, अशोक का अभिलेख किस भाषा में लिखा गया था, अशोक जो भाषा, अशोक जो मगध में जो शासन व्यवस्था चलाते थे, तो अशोक का जितना भी अभिलेख लिखा गया था वो भाषा था प्राकृति या अर्ध मगधी। अभी भी वर्तमान में पटना के क्षेत्र में ये भाषा का यूज किया जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। आइए, प्राचीन काल का कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख। अब अशोक के अभिलेख के बाद बहुत सारे राजा हुए थे प्राचीन काल में, खारवेल, समुद्रगुप्त, पुलकेशन द्वितीय, रुद्रदामन, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, इसके द्वारा भी महत्वपूर्ण अभिलेख लिखा गया था, और उसके बारे में अभिलेख में उसकी जिक्र भी किया गया था दोस्तों, ये भी बात हम लोग जानेंगे। सो अशोक के बाद या अशोक के समकालीन भी बहुत सारे राजा हमारे भारत या भारत के अभी वर्तमान से बाहर स्थिति में है, उसमें भी अभिलेख का यूज किया गया था। तो हम लोग कुछ अभिलेख के बारे में कभी कभी बीपीएससी और जनरल भी बिहार के कंपटीशन में या इंडिया लेवल में एसएससी रेलवे बैंकिंग में भी इस तरह का क्वेश्चन कभी कभी उठाया जाता है। बताइए हाथी गुफा अभिलेख किस राजा से या किस शासक से संबंधित है, तो खारवेल। तो ये जो मैं 6 अभिलेख यहाँ पर डाला हूँ उसका शासक और कुछ का मैं विषय उस अभिलेख में क्या लिखा उसका भी मैंने जिक्र किया है दोस्तों। देखेंगे प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो समुद्रगुप्त ने के शासन काल में लिखाया गया था, उस वक्त शासक थे, विजय एवं नीतियों का विवरण इसमें लिखा गया है, यानी समुद्रगुप्त द्वारा जो विजय हुआ और उसके देश में, उसके राज्य में, उसके क्षेत्र में क्या नीति लगाया जाता था उसके बारे में भी जिक्र किया गया है। तो याद रखिएगा प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से संबंधित है, एहोल अभिलेख पुलकेशियन द्वितीय से संबंधित है, हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल से संबंधित है दोस्तों, गिरनार अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है, मेहरौली लोह स्तंभ जो दिल्ली में, मेहरौली एक जगह है दिल्ली में जो कुतुब मीनार में है, तो मेहरौली लोह स्तंभ समुद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, और मंदसौर अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम जिसमें सैनिक उपलब्धता की बात कहा गया है, हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल में खारवेल की शासन की घटनाओं के बारे में जिक्र है, खारवेल ने किस तरह से अपने क्षेत्र में अपने राज्य में शासन व्यवस्था को चलाता था, युद्ध करता था, किस तरह से युद्ध विजय होता था उसके बारे में जिक्र किया था दोस्तों। आपने अभिलेख का जो महत्वपूर्ण अभिलेख था इसके बारे में जिक्र किया, शासक के बारे में बताया और इसकी विषय कुछ बता दिया था दोस्तों। फिर पुनः कहता हूँ, आप लोग यदि देख रहे हैं वीडियो तो एक प्रॉपर नोट बनाइए, कॉपी पेन साथ में रखिए और एक प्रॉपर नोट बनाइए, और जब प्रॉपर नोट बनाइएगा रिवीजन कीजिए। मैं टेस्ट सीरीज भी यूट्यूब के माध्यम से स्टार्ट करूंगा, तो आप एक स्पष्ट रूप से तैयारी का एक मौका मिलेगा। जब आप सीधे सुनिएगा तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए एक बैठिए
कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और प्रॉपर एक नोट बनाइए। मैं सीरीज बाय सीरीज दे रहा हूँ, जैसे अभी मैं बार बार कह रहा हूँ, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्वरूप में यह पहला वीडियो है, इसका पार्ट वन है। इसका 4 से 5 वीडियो है प्राचीन स्रोत से, तो पूरा जब आप देख लीजिएगा तो पूरे प्राचीन इतिहास के बारे में पूरा मूलभूत ज्ञान हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पर्सिपोलिस और बहिस्तुन अभिलेख। इस अभिलेख से स्पष्ट होता है कि भारत पर सर्वप्रथम ईरानी शासक डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने आक्रमण किया था। तो ये पर्सिपोलिस और बहिस्तान जो कि भारत के बाहर के अभिलेख है, उसमें इस चीज का जिक्र किया गया। इससे ज्ञान मुझे मिलता है, जो भारत पर जो आक्रमण किया गया था ना, सर्वप्रथम यूनानी नहीं किया था, ईरानियों ने किया था। तो पूछा जाता है भारत में सर्वप्रथम किसका आक्रमण हुआ था, ईरानियों का, और वहां ईरानी का एक शासक था डेरियस प्रथम। नाम से यदि पूछा जाए तो डेरियस प्रथम या दूसरा नाम इसी का दारा प्रथम कहेंगे। यदि देश की बात पूछा जाए तो ईरानियों ने, इसके बाद हमारे भारत पे यूनानियों का आक्रमण हुआ था, सिकंदर का आक्रमण हुआ था, बट भारत में सर्वप्रथम जो आक्रमण हुआ था वो हुआ था ईरानी शासक के द्वारा हुआ था या ईरानियों के द्वारा हुआ था। और राजा वहां का कौन था, शासक कौन था, तो डेरियस प्रथम, याद रखेंगे दोस्तों, या दारा प्रथम। तो हमारे देश में प्रथम यदि आक्रमण की बात किया जाए तो यूनानियों का नहीं हुआ था, सर्वप्रथम ईरानियों को हुआ था, और यदि शासक वहां का था डेरियस प्रथम या दारा प्रथम के द्वारा होता, ये चीज का आप जानकारी रखें। द्वितीय मेरा था, हमारे देश पर जो दूसरा आक्रमण था यूनानियों का था, सिकंदर का था। तो ये चीज का जो जानकारी मिलता है ना, वो पर्सिपोलिस और बहिस्तान अभिलेख से ज्ञान मिलता है। भारत पर सर्वप्रथम ईरानियों का आक्रमण हुआ था और डेरियस प्रथम या दारा प्रथम का आक्रमण होता। आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे, यदि नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार इस वीडियो को देखिए, बार बार वीडियो को देखिएगा सुनिएगा, तो अपने आप टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आइए, भारत पर सर्वप्रथम ईरानियों पारसी ने आक्रमण किया था, इसके बाद यूनानियों ने आक्रमण किया था, मैंने इसके बारे में जिक्र कर लिया था। अब आइए एक महत्वपूर्ण अभिलेख के बारे में जिक्र करना है, बेस नगर का गरुड़ स्तंभ, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में बेस नगर में स्थित है। यह जो संबंधित है यूनानी शासक हेलियोडोरस, नाम याद रखिएगा हेलियोडोरस। तो ये बेस नगर का गरुड़ स्तंभ यह मध्य प्रदेश में स्थित है, बट इसका जो जिक्र किया गया है इस स्तंभ में, वह यूनानी शासक हेलियोडोरस से किया गया है। दोस्तों आशा करते हैं ये पूरा वीडियो आप लोग देखे होंगे तो काफी चीज समझ में आ गया होगा। फिर मैं एक बार पुनः आप लोग को कहते हैं, सो वीडियो को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, व्हाट्सएप फेसबुक जितने भी ग्रुप है उसमें डालिए। इससे क्या होगा, इस वीडियो को थोड़ा मूवमेंट मिलेगा और जरूरतमंद बच्चे को आसानी से ये बैठे बैठे घर बैठे बैठे ज्ञान मिल जाएगा। और अपने जो बच्चे लोग का कोई टारगेट होता है, गोल अचीवमेंट करने का होता है, वो आसानी से मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, आपने वीडियो को अंत तक देखा। अगला वीडियो पुनः बहुत ही जल्दी आ जाएगा दोस्तों।